हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से एक नया फेसबुक अकाउंट क्रिएट करोगे और साथ ही साथ आप उसको किस तरीके से मैनेज कर पाओगे कि उसमें प्राइवेसी लगाना और फेसबुक ग्रुप बनाना, फेसबुक पेज बनाना और अपने फोटो पर प्राइवेसी लगाना, फोटो को अपडेट करना, ये सब चीज़ें हम बताएंगे। आप स्टेप बाई स्टेप फॉलो करें, लास्ट तक वीडियो को देखें। वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी समझ पाओगे और वीडियो को अंत तक देखते रहें और जरूर बने लास्ट तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम फोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आप एक ऐप्स डाउनलोड कर लें, जैसे कि हमने किया हुआ प्ले स्टोर से फेसबुक वाला। उसके बाद हम चलते हैं फेसबुक पे। फेसबुक में चलने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, नीचे लिखा हो क्रिएट ए न्यू अकाउंट, यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे फर्स्ट नाम डालेंगे। फर्स्ट नाम डालेंगे तो यहाँ पे हमारे जीमेल्स आ जाएंगे बहुत सारे, बाकी हमको उनको वापस कर देना। ओके, तो यहाँ पे हम अपना नाम डाल लेते हैं। नाम डालने के बाद लास्ट नाम डाल देते हैं, फर्स्ट नेम डाल दिया लास्ट नाम। उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ सेट कर लें, डेट ऑफ बर्थ है जिस अपने हिसाब से कर लें आपको जो सही लगता है। ओके, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आप यहाँ पे व्हाट योर जेंडर, कस्टम पे रहेंगे तो आप मतलब आपको ये पता नहीं लगे आप लड़की हो या लड़के। कस्टम पे करोगे तो फीमेल पे करोगे तो लड़की की जो बन जाएगी आपकी अकाउंट्स और बन जाएगा, और मेल का करोगे तो फीमेल का अकाउंट, व्यक्ति का अकाउंट बन जाएगा। तो नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद ये नंबर है, नंबर हम डालेंगे तो एक ओटीपी जाएगी, ओटीपी जाएगी तो ओटीपी डालेंगे और वेरिफिकेशन कर देंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड आप कोई भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, 10 को वाला डाल दें। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप इनमें से किस जीमेल आईडी को आप जोड़ना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, हम बीच की चूज़ कर लेते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं और स्किप कर देते हैं। क्रिएट योर अकाउंट, तो हमारा कुछ टाइम में अकाउंट बन जाएगा। अब हमारे फ़ोन पे जो एक ओटीपी आएगी, क्रिएटिंग है योर अकाउंट, तो खाता तो बन रहा है, एक ओटीपी आएगी। देखिए थंबनेल थम्स का एक आ गया निशान, तो ये हो चुका है। अब यहाँ पे एक ओटी का ऑप्शन आएगा तो हमें ओटीपी डालना पड़ेगा, कुछ टाइम वेट, क्योंकि नेटवर्क स्लो चल रहा है इसकी वजह से हमें। ठीक है, सेव टू पासवर्ड, हमने पासवर्ड डाल दिया। ओके, इन करते हैं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये हो गया और ये पासवर्ड सेव कर देते हैं और उसके बाद हम स्किप कर देते हैं। ये देखिए हम प्रोफाइल पे आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे अलाउ कर देते हैं इस कंडीशन को। अलाउ करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे आ चुका है अपना सबसे फर्स्ट पेज। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे एक वैसे दिया हुआ है नीचे कोई। ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आप ये आपका आ चुका है। तो ग्रुप को मेंटेन करने के लिए हमें सबके साइड में तीन आपको लाइनें दिख रही हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ अपना फ़ोटो वगैरह लगाना चाहते हो, यहाँ पे फ़ोटो पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ओके कर दें। उसके बाद यहाँ पे अलाउ कर दें, अलाउ कर दें, जिससे ये फ़ोटो यहाँ पे सभी शो होने लग जाए। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम एक कोई भी फ़ोटो लेते हैं, तो फ़ोटो लेने के लिए हम मान लीजिए यहाँ पे ये फ़ोटो है, इसको ओके कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं, तो ये यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर पोस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे अगर टाइप कर दें और यहाँ पे पोस्ट के सेक्शन पे यहाँ पे फ्रेंड्स लोग हैं तो इसमें आप मतलब पब्लिक पब्लिक करना चाहते हैं सबको जाए, या फ्रेंड को टैग करना चाहते हैं सिर्फ फ्रेंड को, या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड आपने जिसको टैग किया या उसी को जाए, और या फिर नीचे एक ऑप्शन और दिया हुआ है डोंट शो टू सम फ्रेंड, मतलब किसी फ्रेंड को शो ना हो ये, वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऑप्शन सबसे बढ़िया बात है कि आप ऊपर रखोगे तो सभी फ्रेंड को शो होगा, क्योंकि आप सभी को सामने पोस्ट जानी चाहिए। तो यहाँ पे बैक कर सकते हैं, टिक कर दिया है। यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो आप, जिस तरीके से आपने लिखना है गुड इवनिंग, और उसके बाद आप यहाँ पे लोकेशन भेज सकते हो, और वीडियो यहाँ पे ऊपर नीचे चेक इन, मतलब यहाँ की लोकेशन है क्या, कहाँ का एड्रेस है। टैग फ्रेंड ऐसा टैग कर सकते हो, मान लीजिए यहाँ पे कोई फ्रेंड है, बाकी कोई फ्रेंड नहीं फिलहाल में हमारे पास, तो हम उसको नहीं कर सकते। उसके बाद नीचे आता है एक्टिव मतलब एक्टिविटी फीलिंग्स, यहाँ पे फीलिंग्स डाल सकते हो, आपकी फीलिंग क्या, आप किस तरीके से भेजना चाहते हो, पोस्ट के हिसाब से अपनी फीलिंग को आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद नीचे लिखा होता है सेल्स समथिंग, इस पर आप कुछ लिखना चाहते हो वो आता है, आप लिख सकते हो। और
उसके बाद यहाँ पे पोस्ट कर दें, पोस्ट करेंगे तो ये पोस्ट हो जाएगा कुछ ही टाइम में। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, पोस्ट हो गया है। और उसके बाद हम चलते हैं साइड में, देखो आपको यहाँ पे एक व्यक्ति का सचिन बना हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए पोस्ट हो चुका है। और फिर यहाँ पे ये जो आपको सबसे पहले ये होम पेज का होता है, यहाँ पे आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट अपलोड कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी आपको, जब किसी ने की है तो, किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट की तो आपको यहाँ पे मिलेगी। ओके, इस सेक्शन में ये आपका हो गया ग्रुप, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप से आप जुड़े हों तो वो ग्रुप यहाँ शो होगा। यहाँ पे जाओगे तो आपका सेक्शन दिख जाएगा। ओके, आपकी यहाँ पे देखिए गेट टू स्टार्ट, यहाँ पे अपलोडिंग, ये तीन स्टेप बता रहा है, यहाँ पे आप कंटिन्यू या स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो घंटी सी दिख रही है यहाँ पे जाओगे तो आपको नोटिफिकेशन, मान लीजिए आपको किसी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट भेजी है तो वो यहाँ दिखेगी, अगर आप किसी को भेज रहे हो रिक्वेस्ट और उसने एक्सेप्ट कर ली तो इस घंटी में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके बाद हम होम पेज पे आते हैं, होम पेज होने के बाद में सबसे पहले हम तीन लाइनों पे जाते हैं, तीन लाइनों के बाद में हम सबसे पहले बताते हैं कि आपको प्राइवेसी किस तरीके से करना है। तो उसका देखना चाहते हैं तो उसका देख लें, अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे वीडियो ऑन वॉच, यहाँ पे बहुत सारी वीडियो होती हैं अदर अदर ग्रुप की, तो वो यहाँ पे वीडियो जाकर वीडियो देखना चाहते हो, यहाँ पे सभी चीज़ के ऊपर सर्च बार है, यहाँ पे सर्च जाके आप सर्च कर सकते हैं, वीडियो कॉमेडी फिल्म शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, देखिए यहाँ पे कुछ भी WWF ये सभी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। यहाँ पे जाएंगे ऐड, यहाँ पे ये कैमरा का बटन दिख रहा है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप प्रोफाइल सेलेक्ट, यहाँ पे अगर कोई प्रोफाइल लगाना चाहते हैं जैसे हमने ये टैग कर दिया है इसको लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे सेव करते हैं, ये लग गया। ओके, और सामने वाली पे लगाना चाहते हो तो आप उसको भी लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे तीन लाइनों पे जाते हैं, वापस चलते हैं हम थोड़ा और नीचे हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे पेज का ऑप्शन, मेमोरीज, आपकी जो मेमोरीज हैं सेव क्या क्या किया है, नियर बाई फ्रेंड्स जो आसपास के हैं, गेम है, मैसेंजर को इंस्टॉल कर सकते हैं, जॉब को सर्च मार सकते हैं, यहाँ पे ये ग्रुप है तो यहाँ पे आप ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं और अपना ग्रुप जो आप जिन ग्रुप से जुड़े हो यहाँ पे उनको देख सकते हो। तीन लाइनों पे चलते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे सी ऑल पे करके यहाँ पे बहुत सारी ये बलूट डोनेशन, यहाँ पे ये सिटी गार्ड्स है, स्विच रिस्पॉन्स है, यहाँ पे डिवाइस रिक्वेस्ट है, वाईफाई है और यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइव वीडियो, आप लाइव जाना चाहते हो यहाँ से लाइव जा सकते हो। ठीक है, तो लाइव वीडियो जो जा भी सकते हो प्लस जो लाइव आई हुई हैं जो भी सभी वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हो। मूवीज़ है यहाँ पर, ऑफर है या मोस्ट रिसेंट आपने कोई डाली हुई, कोई मोस्ट रिसेंट वाली होती है, रिसेंट एंड एड एक्टिविटीज, रिसेंट मतलब यहाँ पे कोई किसी ने ऐड डाला वो दिख जाएगा, रिकमेंडेशन वो भी दिख जाएगा, वेदर मतलब यहाँ का तापमान टेम्परेचर वो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट, यहाँ पे हेल्प अगर आपको चाहिए यहाँ पे हेल्प सेंटर सपोर्ट एंड बॉक्स में कर सकते हो, हेल्प कम्युनिटी यहाँ पे कर सकते हैं, रिपोर्ट एंड प्रॉब्लम पे भी कर सकते हो, टर्म कंडीशन एंड पॉलिसी, ये पॉलिसी दी हुई है इसकी तो यहाँ पे आप ओके कर सकते, देख सकते हो, चेक कर सकते हो। उसके बाद में नीचे ऑप्शन दिया लॉगआउट का, आप लॉगआउट करके यहाँ से इसको लॉगआउट कर सकते हो, बाहर जा सकते हो। ठीक है, लॉगआउट का मतलब होता है खाता बंद करना, लॉगिन मतलब चालू। ओके, तो यहाँ पे प्राइवेसी पे चलते हैं, प्राइवेसी की देखते हैं कि क्या क्या प्राइवेसी सुविधा है इसमें, सबसे ऊपर दिया हुआ प्राइवेसी और नीचे प्राइवेसी शॉर्टकट्स, प्राइवेसी शॉर्टकट है उनको चेक कर सकते हो, योर टाइम ऑन फेसबुक, यहाँ पे जितना आपका टाइम हो फेसबुक पे चल रहा होगा, कितना टाइम हो चुका है फिलहाल में, लैंग्वेज को यहाँ पे कर सकते हो, डाटा सेव, कोड जनरेटर, यहाँ पे एक चाबी ये बना हुआ है आप कोड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइवेसी पे जाते हैं, प्राइवेसी जाने के बाद में हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाके यहाँ पे आप अपनी पर्सनल जितनी भी डिटेल उसको चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपका ईमेल, हमने एड्रेस डाला नहीं है, फर्स्ट नाम आ गया है, उसके बाद मोबाइल नंबर आ गया, आइडेंटिटी कंफर्मेशन, यहाँ पे कंफर्म यूर आइडेंटिटी ऑन फेसबुक, मैनेजमेंट अकाउंट कॉन्टैक्ट डीएक्टिवेशन, यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं साथ ही साथ। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट करके देखते हैं कि आपको कहाँ लेके चलता है, थोड़ा चेक कर लें आप, अगर आप यहाँ पे ये डीएक्टिवेट, यहाँ पे अगर अकाउंट को या कोई आपका फ्रेंड है उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं या मैनेज अकाउंट, अपना अकाउंट भी यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। पीछे चलते हैं थोड़ा, जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई, ट्रांसलेट ऑफ पोस्ट, ट्रांसलेट मतलब यहाँ पे ये भाषाएं दी गई हुई हैं, इंग्लिश यू लाइक टू हैव पोस्ट ट्रांसलेटर इन टू, यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे देख लैंग्वेज एंड डोंट वेंट टू ऑफर्ड ट्रांसलेशन फॉर लैंग्वेज, डोंट वॉन्ट टू ऑटोमेटिक ट्रांसलेट, ये यहाँ पे सभी कुछ लेके ऑटोमेटिक ट्रांसलेट वो कर देता है। इसको चूज करोगे तो मान लो किसी ने पोस्ट किया इंग्लिश में, सॉरी आपकी पोस्ट पे कमेंट किया इंग्लिश में तो वो ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा, आप हिंदी चूज कर लें, और अगर उसने हिंदी में किया आपको इंग्लिश आती तो आप इंग्लिश, वो उसने हिंदी में किया तो उसका इंग्लिश बन जाएगा, ये सुविधा इसमें दी गई है। उसके बाद आता है पेमेंट, पेमेंट का मतलब ये होता है कि बहुत सारी इसमें पेमेंट का मेथड वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे पेज गूगल पेज सॉरी फेसबुक पेज बनते हैं, फेसबुक पेज में आप किसी चीज़ की ऐड डालना चाहते हो तो उसके लिए आपको पेमेंट देना होता है, जो गूगल सिक्योर गूगल जो ब्राउज़र है
उसी की तरफ से सिक्योरिटी, वो पैसे लेता है और आपकी एड को लोगों तक पहुंचाता है और उसमें से पैसे कटते रहेंगे आपका। अगर आप उसमें इतना पैसा ऐड करते हो, डेबिट कार्ड किसी से भी ऐड कर सकते हो, पेपल से भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं, देखिए यहाँ पे बहुत सारी सुविधा दी, आप किसी से भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, देखिए। तो इस तरीके से हम पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं। ये तो रही अलग बात, इसके टॉपिक के ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि आप पेज को किस तरीके से बनाओगे और किस तरीके से आप इसमें अपने अकाउंट को लिंक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी ऑन लॉगिन। आप सिक्योरिटी सिक्योरिटी लगाना चाहते हो, यहाँ पर चलिए। तो ये यहाँ पे बहुत सारी दिख रही हैं, ठीक है। चेंज योर पासवर्ड, और यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कोई लगाना है कि चूज फ्रेंड टू कॉन्टैक्ट इफ़ यू गेट लॉकड आउट, मतलब आप अपनी फ्रेंड लिस्ट को लॉक में रख सकते हो और कोई सर्च मारना चाहता है तो वो आपको सर्च नहीं होगा। मान लीजिए कोई और सर्च करना चाहता है आपके फ्रेंड को तो वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में आता है कि चेंज पासवर्ड, यहाँ से आप जाके पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। यूज टू फैक्टर अथॉरिटी नेशन, यहाँ पे मतलब जो नोटिस वगैरह कोड वगैरह में ब्राउजर है वो डिवाइस है यहाँ पे वो आपको शो होता रहेगा, ये उसके लिए दर्शाया जाता है। ऐप पासवर्ड, अगर आपको ऐप से इसको पासवर्ड रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अथॉरिटाइज लॉगिन्स, अगर आप अलग डिवाइस में करना चाहते हैं रिवाइज लिस्ट ऑफ द, यहाँ पर इससे भी आपको सेशन मिल जाता है। उसके बाद एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, यहाँ पे गेट अलर्ट अबाउट, यहाँ पे आप जाके बहुत सारी सुविधाएं हैं उनका आप लेफ्ट ले सकते हैं। देखिए नोटिफिकेशन है, ये सभी अलर्ट नोटिफिकेशन, इनको ऑन कर देंगे तो यहाँ पे अगर कोई आपके पास नोटिफिकेशन है सबसे पहले ऊपर ही फ़ोन के ऊपर दिख जाता है डैशबोर्ड में, ये सुविधा दी जा रही है इसमें। चूज थ्री टू फ्रेंड टू कॉन्टैक्ट इश्यू लॉगर, यहाँ पर वही सुविधा यहाँ पर जो ऊपर दी है वही है इसमें। उसके बाद रिकवर इंटरनल अकाउंट, अगर आप रिकवर करना चाहते हो फेसबुक आप भूल चुके उसके लिए दिया होगा। सी रिसेंट ईमेल फ्रॉम फेसबुक, तो यहाँ पे जो अगर रिसेंटली आपने ईमेल डाला हुआ है अपने फेसबुक में वो यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओके करते हैं, चेक कर सकते हैं आप अगर आपका डाला हुआ है तो। यहाँ पे कोई भी ईमेल नहीं है, देखिए यहाँ पे है ही नहीं, ईमेल ही नहीं है, ओके। तो कहाँ से दिखेगा, हमने डाला नहीं, क्योंकि सेव ब्राउज़र, आप ब्राउज़र को सेव कर सकते हो। लर्न मोर अबाउट सिक्योरिटी, यहाँ पे ओके करते हैं। यहाँ पे ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन मिल जाते हैं, आपका पासवर्ड है उनको आप सिक्योरिटी कर सकते हैं जिससे कि किसी को। उसके बाद इफ़ यू थिंक योर अकाउंट वाज हैकड, मतलब अगर कोई अकाउंट हैक करता है तो वो सुविधाएँ आपको यहाँ पे ये मैसेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इनमें से एक भी मैसेज आता है तो आप यहाँ से इनमें से हेल्प मांग सकते हैं, आपका किसी ने अकाउंट हैक किया है तो, ठीक है। ये सुविधा दे दी जाती है सबसे पहले यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे लोकेशन नीचे आता है, लोकेशन ऐप वेबसाइट आप ऐप से भी कर सकते हो, चला सकते हो किसी भी, इंस्टेंट गेम यहाँ पे गेम भी खेल सकते हो। बिजनेस इंटरेस्ट इंटरग्रेशन, तो मतलब यहाँ पे बिजनेस हैं जो वो उनकी भी सुविधाएं हैं फेसबुक पे पेजों पे। अब आता है सबसे बड़ा जो पोलिको प्राइवेसी, प्राइवेसी सेटिंग पे जाओगे आप तो प्राइवेसी पे जाने के बाद यहाँ पे पोलिको चेक फ्यू इम्पोर्टेंट सेटिंग्स, तो यहाँ पे इनको चूज कर लें, देखते हैं इसमें क्या इंपोर्टेंट सेटिंग है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर, यहाँ पे आप इसको लॉक लगा के रख सकते हो, देखिए यहाँ पे लिखो मतलब योर पासवर्ड ही जो ओके। फिर उसके बाद टर्न ऑन लॉगिन अलर्ट, मतलब कोई भी लॉगिन करता है तो यहाँ पे आपका मैसेज आ जाता है आपके पासवर्ड से, ओके। योर डाटा सेटिंग ऑन द फेसबुक, आपका डाटा है, आप अपने डाटा को अदरवाइज मतलब कहीं दूसरे उसमें करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए लोकेशन वगैरह कंटिन्यू दी जा रही है, ये देखिए यहाँ पे वेबसाइट है, आप किसी वेबसाइट से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर दें, यहाँ पे लिखा आ गया आप किसी वेबसाइट से उसका जो लोकेशन उसको ऐड कर सकते हैं। हाउ पीपल कैन फाइंड योर फेसबुक, तो यहाँ पे जाके आप फेसबुक है जो यहाँ पे ये दिख रहा है, तो ये जो सुविधाएं दिख रही हैं सर्च, मतलब आपको अब नंबर छुपाते हैं अपने फ्रेंड को छुपा सकते हैं, और अगर कोई सर्च करता है तो सर्च का ऑप्शन में आपको आपका फ्रेंड नहीं नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए एवरीवन दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे आप फ्रेंड पे कर देंगे तो आपका सिर्फ फ्रेंड ही दिखेगा। यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर जाके आप एवरीवन लिखा हुआ है तो यहाँ पर ओनली मी पे ओके कर देंगे तो ये आपका नंबर है जो छुप जाएगा। ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पर ओनली मी सिर्फ आपको दिखे ये हो जाए, या आपके फ्रेंड हैं उनको दिखे, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो इसको फेसबुक प्रोफाइल को भी इस तरीके से कर सकते हैं कि आप कोई सर्च नहीं कर पाए, ओके। पीछे चलते हैं थोड़ा, यहाँ पे जो ये कंडीशन है इसको फ्रेंड ऑफ फ्रेंड पे कर सकते हैं या एवरी मन पे कर सकते हैं, सभी पे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा पीछे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वू कैन सी व्हाट यूर शेयर, मतलब किस किस को शेयर करना चाहते हैं। प्रोफाइल इंफॉर्मेशन पोस्ट एंड स्टोरेज ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग के ऑप्शन, मतलब यहाँ पे जितने भी आप किसी पर्सन को ब्लॉक करते हैं वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। और सबसे पहले ये देखिए ऊपर लिखा मोबाइल नंबर, ये फ्रेंड्स मतलब आपके फ्रेंड को दिखेगा जिसको आपने ऐड कर लिया, ओके। तो पब्लिक को सभी फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, मतलब पब्लिक को सभी को नहीं दिखेगा, जो आपका फ्रेंड बन चुका है आपने जिसको ऐड कर लिया उसको दिखेगा आपका नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर सभी को क्या छुपाना है तो ओनली मी पे करना है, छुपा दें यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ को छुपाना चाहते हैं अपना, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ छुपा दें, ओके। नीचे जाना चाहते हैं यहाँ पे छुपा दें,
ओके, उसके बाद आता है नीचे की तरफ फ्रेंड्स ऑफ फॉलो मी, मतलब किस किसने आपको फॉलो किया लिस्ट को आप छुपाना चाहते हो ओनली मी पे कर दें, आपको उनको पता ही नहीं लगा कुछ खोजना चाहता आपको, तो यहाँ पे सीमर पीपल यहाँ पे भी आप इसको ओके कर सकते हैं, ये भी छुप जाएगा। पेज लिस्ट, आपकी कोई पेज लिस्ट है उसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आता है फ्यूचर पोस्ट, आपकी जो पोस्ट है कहाँ जानी चाहिए, पब्लिक में जानी चाहिए। यहाँ पे देखिए पब्लिक फ्रेंड्स और फ्रेंड्स एक्सपर्ट और उसके बाद डोंट शो ऑन समवन, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप पब्लिक को भेजना चाहते हो, पब्लिक में तो पोस्ट जाएगी अगर आप पोस्ट करते हो। उसके बाद फ्रेंड आपके हैं तो अगर फ्रेंड टू फ्रेंड हैं तो उनको चली जाएगी जो आपसे जुड़े हैं उनको शो होगी। उसके बाद आता है डोंट शो, मतलब किसी को शो ना हो तो आप इस पे एक्सेप्ट ओके करके यहाँ पे इस कंडीशन को ओके कर सकते हैं और पीछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड लिस्ट उसको आप सर्च मार सकते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं स्टोरेज, आपकी स्टोरेज को चेक करें या ना करें इसके बारे में भी नीचे लिखा हुआ है हिडन स्टोरी फ्रॉम, आप अपनी स्टोरी को छुपा सकते हो पब्लिक को, सकते हो कस्टम, कस्टम का मतलब है सभी को दिखेगी, दोनों को फ्रेंड को भी और पब्लिक को, कस्टम का मतलब ये होता है दोनों को शो होगा। और हाइड, सॉरी हिडन नहीं, हाइड, हाइड का मतलब छुपाना, स्टोरीज फ्रॉम इसको आप छुपा सकते हो। तो यहाँ से आप जाकर अपनी स्टोरी को छुपाना चाहते हो यहाँ पर सर्च करिए अपनी नाम को और स्टोरी को छुपा दें जिस फ्रेंड से आप छुपाना चाहते हो। और यहाँ पे लिखा हुआ नीचे लिमिट पास्ट पोस्ट, तो यहाँ पे जितनी आपकी पोस्ट हैं उनकी लिमिट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ए टू ब्लॉकड लिस्ट, जिस जिसको आपने ब्लॉक किया वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये थी कि सभी सुविधाएं हमने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फेसबुक पेज किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और उसमें जो आप बनाना चाहते हो ग्रुप, ये सब चीज़ें, जो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम थोड़ा कम टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा और बहुत सारी करेंगे। और बता देते हैं हमने पोस्ट के बारे में, हमने आपको बता ही दिया है, ये होम पेज पे आ गए हैं, यहाँ पे अपने हमने एक पोस्ट करके दिखा दिया है। अगर कमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो यहाँ पे जाके, ठीक है, आप कुछ लिखना चाहते हो हाय आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाइक का ऑप्शन आता है साइड में, आप यहाँ पे जाके यहाँ पे लाइक करना चाहते हो क्या करना चाहते हो ये कर सकते हो। उसके बाद कमेंट, अगर सामने वाला व्यक्ति है तो यहाँ पे आप क्या करोगे रिप्लाई, यहाँ अगर यहाँ पे नीचे लिखोगे तो वो सबके सामने जाता है। अगर आप मान लो इस व्यक्ति ने जैसे मैंने किया तो इसके पीछे आप करना चाहते हो यहाँ रिप्लाई में जाओगे इस तरीके से करोगे, ठीक है, तो ये इसके अंदर चला जाता है, अंदर की तरफ हो जाता है। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से रिप्लाई किए जाते हैं। और नोटिफिकेशन का हमने बता दिया, बेल आइकन होती है यहाँ पे आने लग जाएंगे सभी नोटिफिकेशन। तो आज के लिए इतना ही, तो कल फिर मिलते हैं, आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, साथ ही साथ हमें व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक डाल दूंगा। फेसबुक ट्विटर सब जगह आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको सभी समझ आए कि इसमें क्या बताया गया, किस तरीके से प्रोसेस किए। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, फिर कल मिलते हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही।